खोलो। दोस्तों करते ऐसे में काफी स्नेक एग्रेसिव हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरपमित एसपी यादव पे। दोस्तों भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर दूरी पे दोस्तों ये दरियापुर है, और मेरे गांव में ही एक स्नेक निकला है जो अभी बच्चा को अभी वो स्नेक काट लेते, तो काटने से थोड़ा सा वो बच चुके। और दोस्तों तुरंत ही हमें इन्फॉर्म किया, मेरे घर के 2-4-10 घर के जस्ट बगल में घर है दोस्तों, और यहाँ एक शायद बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा देखा गया। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहे, चलिए दिखाते हैं कौन सा स्नेक है। ऐसे में तो हर हमेशा खतरा बना हुआ रहता है। दोस्तों इसी के अंदर शायद स्नेक है, चलिए पता करते हैं, इसे रिसर्च करते हैं कि इसमें आखिर स्नेक है या नहीं। इसको थोड़ा सा इस जगह जंगल टाइप का है, तो इस जगह से थोड़ा हम साफ सुथरा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे उठाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो में जरूर बने रहें। चलो इधर दोस्तों स्नेक कभी दिखाई नहीं दे रहा है, शायद इसी के अंदर है। ये लाट को पलटा के रखा गया था और इसी के अंदर स्नेक है, थोड़ा इसे उठाना पड़ेगा। अभी बाहर आएंगे तो थोड़ा सा मिल के उठाओ। दोस्तों आप देख सकते हैं इसी के अंदर बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। दरिया हो दरिया। दोस्तों आप देख सकते हैं ये भारत का सबसे जहरीला स्नेक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है दोस्तों, और नजा का बोला जाता है दोस्तों। थोड़ा इसे साफ सुथरा में लेके चलते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत जानकारी हम दे देंगे। दोस्तों ये भारत का सबसे जहरीला स्नेक है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा यानी खरी। दोस्तों इसे हमारे भारत में भारतीय नाग और साइंस में इसे नाजा के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। दोस्तों उत्तर प्रदेश में इसे गेहुमाल नाग फिटार। दोस्तों इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन वेनम यानी जहर पाया जाता है। दोस्तों अगर ये स्नेक बाइट कर लेता तो डायरेक्ट आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए, ताकि दोस्तों झार फूक तंत्र मंत्र में। दोस्तों ये अपने हुक पे अपने बचाव के लिए आते हैं, आप देख सकते हैं ये बगल में का है। और दोस्तों बोला जाता है कि स्नेक दूध पीते हैं, बिल्कुल स्नेक दूध नहीं पीते हैं दोस्तों। बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। दोस्तों अगर ये स्नेक बाइट कर लेते हैं, हम बार बार बोलते हैं इस बातों को, अगर ये स्नेक बाइट कर ले तो आप डायरेक्ट हॉस्पिटल जाए दोस्तों। ये दोस्तों हमारे गाँव में ही निकले है स्नेक, बिग साइज का कोबरा है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये काफी गुस्सेले स्नेक है। दोस्तों इसके साथ एग्रेसिव रहना पड़ता है क्योंकि दोस्तों इसे दिमाग नहीं होते हैं, और ये अपना बचाव के लिए अपना फन पे आते हैं, और लोगों को डराने के लिए ये थोड़ा सा अपना फुंकार लगा देते हैं क्योंकि इससे डर जाते हैं। दोस्तों 90 डिग्री पे खड़े होते हैं, आप देख सकते हैं अगर ये वहां से जंप मारते हैं तो मेरे तक ये आ सकते हैं, देख सकते हैं ये 1 से 1.5 फीट खड़े हुए हैं और ये 2 फीट तक आ सकते हैं जंप करके। तो दोस्तों इसके साथ काफी एग्रेसिव रहना पड़ता है स्नेक के साथ, और इसका दिमाग को जांचना पड़ता है ये किस तरह अपने दिमाग को मूवमेंट करता है। दोस्तों
अरे उधर आ बेटी। दोस्तों चलिए इसे करते हैं वीडियो में पैक। दोस्तों कहते हैं बीन पे स्नेक नाचते हैं, बिल्कुल ये गलत है दोस्तों। अगर इसके आगे हम जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे वैसे वैसे स्नेक डोलेगा, देख सकते हैं आप। ये दोस्तों स्नेक बीन पे नहीं नाचता है ना दोस्तों, इसे सुनाई ना दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके आगे जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे उसी तरह से ये स्नेक डोलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम स्नेक को पैक करते हैं। दोस्तों फाइनली मेरे पास डिब्बा आ गया है, स्नेक को पैक करते हैं। दोस्तों ऐसा वीडियो देख के आप बिल्कुल कॉपी नहीं करें, बिल्कुल स्नेक पकड़ने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि दोस्तों इसके साथ हम लोग का पढ़ाई लिखाई चलता है तभी ये स्नेक को हम लोग हैंडल करते हैं, ना कि दोस्तों ऐसे ही कर लेते हैं। इसके साथ हम लोग का काफी दिनों से इसके साथ प्रैक्टिस है दोस्तों और अनुभव है, तभी स्नेक को हम लोग कैच कर लेते हैं। दोस्तों ये जाना नहीं चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये डिब्बे में जाना नहीं चाह रहे हैं, पता नहीं क्यों ये नहीं जाना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं। कमर टूट गया इसका। दोस्तों करते हैं इसे पैक, काफी स्नेक एग्रेसिव हो गया। आप नहीं समझेंगे। दोस्तों स्नेक किसी समय बाइट करता है जब स्नेक डिब्बे में पैक कर दिया जाता है, और झप्पन लगाने में जो है दोस्तों बहुत ही बड़ा भूल कर देते हैं। जब आप डिब्बे के झप्पन को लगाते हैं तो अपना ध्यान डिब्बे के ऊपर और स्नेक के ऊपर रखें, ना कि दोस्तों इधर उधर ऑडियंस के ऊपर। अगर ऑडियंस के ऊपर आप नजर रखते हैं तो आपके साथ कभी भी हादसा दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये काफी जहरीला स्नेक होते हैं भारत के। दोस्तों हम पैक कर दिए और चलिए हम झप्पन लगाते हैं। दोस्तों फाइनली हम स्नेक को पैक कर दिए डिब्बे में, और श्वास के लिए पहले से हम इसमें छिद्र बना दिए दोस्तों। तो मिलते हैं किसी वीडियो में किसी जीव जंतुओं को बचाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।